आज मुझे सहित सेयार करी रोही माछर झोल जोटा कि टेस्ट ये झोलर बहुत बढ़िया रपण मैंने मो स्टाइल थे निश्चिंत बन देखु ताल जापर जे यही तरकार खास करके यही तरकार झोलर स्वाद बहुत बढ़िया लगे आपण मैंने निश्चिंत थे मो स्टाइल बन देखु केमती लगे मो सहित सेयार करेंगे आशा करुच्ची आज रेसीपी आपको बहुत ही पसंद आसवे चलतु आज सुंदर टेस्टी जो रेसीपी को स्टार्ट करवा रेसीपी स्टार्ट करने पूर्व आपण मानक अनुरोध जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ आसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे थे छोट बेल आइकन को निश्चिंत क्लिक करनी। नमस्कार प्रीति ओडिया किचन आपण समस्त अनेक अनेक स्वागत। सर्वप्रथमे ये माछ तरकारी बनवाई ये रोही माछ 600 ग्राम रो माछ नहीं आपण मैंने चाहिए रोही माछ बदल जेकोसी माछ नहीं पारे प्रथम मुझ को ये तीन रु चार थर भल भाव धोई नहीं को आपण मैंने जिते भल भाव धोबे से भल टेस्ट आसबी आम देदेले स्वाद अनुसार लुण वेक माछ नहीं थे से अनुसार आप लुण दिंतु ये आम देदे अल्प टिके हलदी ता सहित देदे फाड़े लेंबूर रस लेंबू रस दे हम माछर जो आई से स्मेलटा थाए से कटिजी एवं आम भल भाव मिक्स कर नवा ये देखते बढ़िया से आम सहित हलदी लुण और लेंबूर रस को भल भाव गोल नहींचे एवं आम या 15 रु 20 मिनिट पर्यंत सैड्रे रखने ता भर चलत कि मसला प्रिपेयर कर नवा मसलाई ये देखु प्रथम ये देखो तीनो मीडियम सैज्र पिज को चोपा को छड़े भल भाव ये रखि नहीं सहित ये देखु तीनो छोट छोट सैज्र टमाटो नहीं सहित गोटे इंचर अदा ता सहित ये 15 रु 20 कला रसुण एति आम मसला नहींचे प्रथम चलतु आम गोटे मीडियम सैज्र पिज को प्रथम आम पतला पतला करके काटा ये देखो प्रथम आम पतला पतला करके गोटे पिज को मुझे काटि नहीं पतला होकर काटी आमें सैड्रे रखा तापर चलतु आउ जो दुईट पिज था आम बड़ बड़ पीसेस करके काटा यही पिज को आम चूना करवानी केवल बड़ बड़ पीस करके आपने काटिंतु प्रथम आपको आम बाटि नवा ये गोटे ग्राइंडिंग जार नहीं आम जो काटिकी रखी पिज को देटा देदेबा ता सहित ये आम रखी रसुण रसुण को मैं ता सहित जो गोटे इंच अदा रखी थे छोट छोट करके काटिकी रखि नहीं भल भाव में आपको चिकन करके पेस्ट बन ना ये देखते बढ़िया से पेस्ट बनी एबे हमें गोटे बाउल को ट्रांसफर करनवा आपको आम सैड्रे रखा तेज चलत ये आम टमाटो को चूना चूना करके काटी नवा टमाटो चाहिए आपण मैंने प्यूरी बनई पारे कि टमाटो को काटिकी नौ ये आम सबुतक टमाटो को बढ़िया से ये काटिचे आपण मैंने चाहिए प्यूरी बन जदि आपने ग्रेवी को टी मोटा रखा चाहते एवं आम सब काटी एवं आम सैड रखा ये गैस अन करके बस नहीं गोटे कढ़ई कढ़ई भल भाव गरम होटी आम देद 100 ml सोरस तेल जगह आपने रिफाइन अएल नहीं पारे कि सोरस तेल में आईस तरकारी बनइले बहुत बढ़िया टेस्ट आसी थाए जदि आपण मानक पसंद नुए सोरस तेल ताल आपने प्लेन तेल बन पारे तेल भल भाव गरम होगा तेल रु भल भाव धूआ आसीगला आपण मैंने को पकातु तेल थंडा थी समय आपने बिल्कुल भी मछ को पकेबे तेल थंडा समय जब मिंती आम भांगिजी आउ गोटे कथा ध्यान रखु मक सर गोटे सैड भल भाव होगा लोटेबे बिल्कुल भी ता आगु आपण मैंने खड़िका को बिल्कुल मारे ना मछटा भांगिज ये आम दुई सैड भल भाव होगला एबे आमे माछ को काढ़ी नवा तेल रु नेक्स्ट जो माछ आ सब थिला सेम आमे तेल रे देकी ताकु मध्य आमे भल भाव रे भाजी नवा एट देखंतु आउ जे माछ थिला एट मु भल से दे देछि ए भी मध्य आमर भाजी हे जाय छि एट देखंतु एट गोटे साइड हे गला परे मु लौटे नैथिली माछ एट आमर भल भाव रे भाजी हे जाय छि एबे आमे गोटे प्लेट को काढ़ी नवा माछ भाजी होगला देखते से सेम कढ़ई आमर किसी तेल बची जाइए तेल हिं आम बनवा तरकारी से बहुत किसी फ्लेवर थाए सहित ये किसी गोटा मसला नहीं देखूँ दुईट नहीं तेजपत्र दुईट नहीं सुखिला लंका तीनोट नहीं गुजराती सहित रही खंडे डालचीनी किसी नहीं लवंग आपण मैं जहाँ किसी आवेलेबुल थी गोटा मसला दे निश्चिंत बनातु यही तेल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आसव आपण मैंने तरकारी थे निश्चिंत बनातु मो स्टाइल झोलर टेस्ट इत स्वादिया
रही है जे आपण माने हाथ चाटी चाटिक ही खाई नेबे। एबे आमे गोटे काटिक रखी गोटे पियाज को दे दीजिए। पियाज टिके हल्का भाजी गला परे गैस फ्लेम को पूरा स्लो कर नेबे। तापर आमे एड दे दीजिए गोटे चम्मच काश्मीर चिल्ली पाउडर आउ ता सहित दे दीजिए 1/4 टीस्पून दीजिए हलदी गुंड। दे सारा पर भल भाव मिक्स कर नहींचे। तापर आमे एड दे दबा बाटिक रखी मसला। मसला आम ये भल भाव आम गोल ये स्टेज आपने गैस फ्लेम को हाई रखु। हाई रे जदि आपने बनाती ताहले जल्दी भी मसला आमर कषि टेस्ट मत बहुत बढ़िया लगे। एखु ऊपर आम तेल छाड़ा स्टार्ट मसलू भल भाव मिक्स करेंगे। आपण मैंने मसला को टिके कषा को समय ने टेस्ट मत बहुत बढ़िया आसो झोलर तरतरिया है कि आपने बिलकुल भी बनातुन टिके पेसेंस नहीं आपने मसला को कसतु। एवं आम दे दीजिए गोटे चामच जीरा गुंड आ गोटे चामच दे दीजिए ये धनिया गुंड दे सारा पर भल भाव मिक्स कर नहींचे। भल भाव आमर ये टिके मसला ड्राए हो गलापर आम ये काटिक रखी टमाटो ता सहित आम ये स्वाद अनुसार लुण लुण आपचारे से हिसाब से आपल अनुसार आपते ग्रेवि रखिए से अनुसार आपण एड करूँ। यही तरकारी मुझे आलु आड करनी आपण मैंने जब आलु पसंद करती ताले निश्चिंत आपण मैंने आलु को भाजिक यही तरकारी पकई पारे। एवं आम लिड को कभर कर नहीं थे ये आम तीन रु चार मिनिट हो गला। ये आपखिपे ग्रेवी आम ते सुंदर देखा आ तेल बहुत बढ़िया से ऊपर को उठी गला मसलार छाड़गला। ये आम देखूँ आ टमाटो जो पकई थे टमाटो आमर सॉफ्ट हो गला। टमाटो को एमती हल्का हल्का टिके खड़िकार प्रेस करके भल भाव आपने मिसई नि मसला सहित ये देखूँ बहुत बढ़िया से आम मसला कषि। एवं आम ग्रेवी अनुसार ये आम ये मुझे गोटे ग्लास पा दौर आपण मैंने आठ रू जी कम रखा चाहते झोल ताल कम पा दिंतु जदि आठ रू अधिक रखा चाहते आउ टे आपरेंगे। ये मुझे नर्माल टेम्परेचर पा नहीं चाहिए गरम पापारे देखो ये आम झोल पूरा टकमक हो फुटिगला। एबे आमे गैस फ्लेम को लो करनाबा तापर भाजिक रखी माछ को आमे ए स्टेज रे ही देदबा। निश्चिंत फॉलो करके ये रेसिपी आपण माने बनांतु ताले बहुत ही टेस्टी बनिबो। शेष पर्यंत वीडियो को निश्चिंत देखंतु। आशा करूछि कि आज वीडियो आपण मानको बहुत पसंद आसीबो। भले लागिले लाइक शेयर कमेंट करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी। एबे ए देखंतु ए किछि कंचा लंका रहिछि स्लाइस करके काटि नेछि मझिरु ता सहित जे किछि टमाटर नेछि आपण माने केत्ते राग खाउछन्ते सेय अनुसार लंका रे व्यवहार करंतु। आ टमाटर दबा द्वारा टेस्ट मत बहुत बढ़िया आए ता सहित देखा मत बहुत बढ़िया लगी थाए। सहित ये किसी काटिक रखी फ्रेश धनिया पत्र को देदेब। ये देखो केत सुदिया देखा जा तरकारी एत बड़ हाई आपण मैंने देखिपे सहित आम शेष को येदे गरम मसला। गरम मसला आड कर सारापर आम ये तरकारी बिलकुल भी कम्प्लीट होनी। आम आउ 10 मिनिट पर्यंत आम तरकारी को दम छाड़ा। ये आम गैस फ्लेम को पूरा स्लो करनापर 10 मिनिट पर्यंत आपण मैंने ये दम छाड़ू एमती दम दे कि तरकारी थे बनई कि देखो बहुत झोलर टेस्ट बिल्कुल अलग आसो। आपचित थे मो स्टाइल बन देखु बहुत टेस्टी बनब एमती दम दे कि थे बनाते ना आपड़ पूर्वर जमती का मस तरकारी बनाऊ आपने भूली जाए सब बड़े एमती ही बनवा को चाहिए ताल निश्चिंत आपण मानक भल लगी। भल लगे वीडियो को निश्चिंत लाइक करूँ सेयार करूँ आपण घर निश्चिंत बनातु केमती बनला मो सहित आपयार करेंगे। जदि पसंद आसो को लाइक करूँ सेयार करूँ चेल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करूँ पाखे छोट बेल आइकन को क्लिक कर निंतु जहाँफल अपलोड कर समस्त नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण मानक पाखो को पहुँची पारिबो। आपण मानकर गोटे लाइक मते बहुत मोटिवेट करथाय ताले निश्चिंत आपण माने लाइक करंतु शेयर मध्यम करंतु आ कमेंट रे निश्चिंत जणांतु आपणकर फीडबैक आपण मानक मो रेसिपी केमती लागुची। ते पजंत रहिली नमस्कार बाय।